प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के लिए है पाठ विशेषण। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस पाठ में कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिसमें लिखा है, नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला चित्र है, लिखा है, यह लाल गुलाब है। जो लाल रंग के शब्द लिखे गए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, यह लाल गुलाब है। तीन घोड़े दौड़ रहे हैं। 5 लीटर तेल है। वह घर मेरा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द लाल, 3, 5 लीटर और वह क्रमशः गुलाब, घोड़े, तेल और घर की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए नीचे वाक्य विशेषण और विशेष्य बताए गए हैं। पहला वाक्य है, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। अब इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, 40, और विशेष्य क्या है, छात्र। अब छात्र हैं, जो छात्र हैं वो क्या होता है, विशेष्य, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहला रहा है। जिन शब्दों से उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और जिन शब्दों में उसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषण कहते हैं। इसीलिए 40 जो है वो विशेषण है और छात्र विशेष्य है। अगला देखिए, काली बकरी कहाँ गई। बकरी कैसी है, काली है। बकरी क्या है, विशेष्य है, क्योंकि उसकी विशेषता क्या बताई गई है कि वो काली है, तो इसीलिए काली क्या है, विशेषण है, और बकरी की विशेषता बताई गई है तो इसलिए बकरी क्या है, विशेष्य है। अरविंद आलसी है। आलसी है कौन, अरविंद, तो आलसी जो है वो उसकी विशेषता है और अरविंद विशेष्य है। मैंने थोड़ी लस्सी पी। मैंने लस्सी पी लेकिन कितनी पी, थोड़ी पी, तो लस्सी क्या है, विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या बताई गई है, थोड़ी, तो विशेषण शब्द यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ी। विशेषण प्रायः विशेष्य से पहले आते हैं पर ये विशेष्य के बाद भी आ जाते हैं। जैसे कि आपने आखिरी वाक्य में देखा, जैसे मैं ठंडा पानी पीता हूं, या विशेष्य से पहले क्या है, ठंडा, ठंडा क्या है, विशेषण। और अगला वाक्य देखिए, यह पानी ठंडा है। पानी क्या है, विशेष्य है, और ठंडा क्या है, उसकी विशेषता है, और यहाँ पर विशेष्य के बाद विशेषण शब्द आया। ठीक है, दोनों तरीके से हो जाते हैं। अब अगले पृष्ठ पर आते हैं, विशेषण के भेद देखिए, वेब चार्ट देखिए, इसमें विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक। पहला देखिए गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, स्वाद, स्थिति, स्पर्श व गंध यानी कि स्मेल आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकर्षक रूप, आकर्षक क्या है ये, इसमें वो उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा है रूप उसका, आकर्षक है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। लंबा तगड़ा, डील डॉल, डील डॉल क्या होता है, उसका बॉडी पॉस्चर के बारे में बताया गया है कि उसका लंबा तगड़ा डील डॉल है। विलक्षण मेधा शक्ति, विलक्षण होती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है, मेधा यानी कि बुद्धि, शक्ति यानी क्षमता, तो ऐसी बुद्धि शक्ति जो विलक्षण है, कहीं मिलती नहीं है, तो ये भी उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो ललित कंठ यानी मधुर जिसका गला है, दयाद्र हृदय जो हृदय दया से भरा हुआ है, लुभावनी आंखें, दमकती दशनावली, लंबी उंगलियां, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गीता सुंदर लड़की है, सुंदर क्या है, उसके गुण का बोध करा रहा है कि गीता कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। और गंदी कमीज मत पहनो, कमीज कैसी है, गंदी है, तो कमीज का ये दोष है कि वो गंदी है, इसमें दोष के बारे में बता रहा है कि कमीज कैसी है, गंदी है। काले जूते मत लो, काले क्या है, काला रंग है, तो ये रंग के विषय में बता रहा है, तो ये रंग बोध लगा रहा है। कुछ प्रचलित गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण दे रखे हैं,
गुण बोधक के भी दे रखे हैं, दोष बोधक है, स्वाद बोधक में कौन कौन से आते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर से देखिए, गंध बोधक, स्थान बोधक, स्पर्श बोधक, आकार बोधक, आकार यानी कि उसकी शेप के बारे में बता रहे हैं, ध्वनि बोधक यानी उसकी वॉइस कैसी है, मधुर है, कर्कश है, किस प्रकार की है, तीव्र है, मध्यम है, मधुर है, ठीक है। दिशा बोधक, दिशा के बारे में बता रहे हैं, बाहरी, भीतरी, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी। दशा बोधक, उसकी दशा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, रोगी है, सूखा है, गीला, दुबला, मोटा आदि। काल बोधक, समय के विषय में बता रहा है, ठीक है। अब आते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कितने हैं तो संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 5 केले दे दीजिए, यहाँ पर 5 क्या है, नंबर है ना, अंक, तो इसलिए ये क्या है, संख्यावाचक है। तीसरे बालक को बुलाओ, थर्ड, तो ये क्या है, ये भी अंक बता रहा है, ये संख्या बता रहा है। हमारे मोहल्ले में 4 कुत्ते हैं, 4 क्या है, संख्यावाचक। तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं इनके बारे में। पहला आ रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 किताबें, 50 बच्चे, 2 गाय, तो ये बता रहे हैं कि इनकी संख्या निश्चित है। किताबें कितनी है, 3 है, बच्चे कितने हैं, 50 है, और गाय कितनी है, 2, निश्चित है। अब अनिश्चित में देखिए क्या बता रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक में जो संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे कुछ आदमी, अब कुछ आदमी में 2 भी हो सकते हैं, 4, 8, 10, 12, कुछ भी हो सकते हैं। अब सभी बच्चे, अब सभी में भी कुछ भी संख्या हो सकती है, तो ये अनिश्चित है, वो काउंट नहीं किए हुए हैं। तो बहुत लोग, अब बहुत लोग पता नहीं कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक हैं। लेकिन अगर इन्हें काउंट करना चाहो तो आप इन्हें गिन सकते हो, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक है। तो कई बच्चे जो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण संख्या वाचक के साथ इन सबको रिलेट कर देते हैं ना, संख्यावाचक के भेद और परिमाणवाचक के, तो ये इसमें ये भेद है कि आप इन निश्चित संख्यावाचक में और अनिश्चित संख्यावाचक में आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। जो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है उसमें आप काउंट नहीं कर सकते, समझ आ रही है ये बात, इसका ध्यान रखना है आपको। तो देखिए नीचे इसने यही हाईलाइटेड लाइन दी है शायद, कि यह ध्यान रखें कि संख्यावाचक विशेषणों के विशेष्यों को गिना जा सकता है। देखिए वही बात उसने बोल दी, जैसे कि निश्चित और अनिश्चित दोनों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, ये इसमें ध्यान देने लायक बात। अब आइए परिमाणवाचक विशेषण, देखिए ये परिभाषा में क्या बता रहा है। परिमाण जो होता है ना, वो क्वांटिटी को बताता है, आप समझते हैं ना उसकी, कि कितनी उसकी मात्रा है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा परिणाम और परिमाण में फर्क होता है, परिणाम होता है नतीजा और परिमाण होता है क्वांटिटी का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, अब हमें पता है कि 1 मीटर कपड़े में इतना ही साइज होता है, तो यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा कह रहा है। 2 लीटर दूध, उसका भी एक नाप होता है कि 1 लीटर इतना होता है और 2 लीटर इतना होता है, ठीक है। 1 किलो बेसन, उसकी भी एक मात्रा मालूम है कि उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो आदि। ये परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं, इसमें भी 2 है, निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है। जिन परिमाणवाचक विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो आटा, हमें पता है 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलो आटा जो है वो आपका निश्चित परिमाणवाचक है। 1 टन गेहूं, उसमें भी हमें मालूम है कि कितने किलो आते हैं, कितने, जो भी उसका हिसाब किताब है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए, जिन परिमाणवाचक विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, पहले वाले में होता है निश्चित वाले में और इसमें नहीं होता है, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़े चावल, अब थोड़े क्या है, एक क्वांटिटी है, एक मुट्ठी दे दिए या एक
कोई बर्तन भर के दे दिया या कुछ भी हो सकता है, तो सारा मैदा अब पता नहीं कितना है, अब ये मालूम ही नहीं है क्वांटिटी कितनी है उसकी। कम तेल, अब कम तेल में आधा चम्मच भी हो सकता है, दो गिलास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें हमको पता ही नहीं है कि उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, अब ये समझिए वो क्या कह रहा है। संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्या है, जिनके विशेषियों को गिना जा सके वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो और जिन जिसके विशेषियों की मापतोल को मापतोल की जा सकती है वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब हम उसकी मापतोल कर सकते हैं तो वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे कुछ कलमें दे दो, कलम क्या होती है, लिखने वाली जो पेंसिल होती है ना, पेन, उसको कलम कहते हैं। तो कुछ जो है क्या है, हम काउंट कर सकते हैं, उसने 8 दिए, 10 दिए, 15 दिए, 20 दिए, कितने दिए, हम उसे काउंट कर सकते हैं, वो गणनीय है, यानी काउंटेबल है। ठीक है, और ये कहला रहा है क्या, आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, लेकिन हम इसे काउंट कर सकते हैं। फिर आइए थोड़ा दूध लाओ, अगणनीय है, ये काउंटेबल नहीं है, कैसे, ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ रहा है। ठीक है, एक तो लिक्विड फॉर्म है और ऊपर से आप इसको थोड़ा दूध है, अब पता नहीं कितना है, कितनी क्वांटिटी दिया गया है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ रहा है। सब लड़के भाग गए, अब सब कितने थे, हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो ये अनिश्चित, चाहे तो हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो सब आ रहा है, अंडरलाइन किया गया, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये सारा गेहूं लाओ, सारा गेहूं पता नहीं कितना कह रहे हैं अब, या तो किसी बर्तन में भरा हुआ गेहूं कह रहे हैं, या पता नहीं बोरियां कह रहे हैं, या क्या कह रहे हैं, या बाल्टियों में भरा हुआ है, या किस में भरा हुआ है, तो कह रहे हैं सारा गेहूं लाओ। अब गेहूं को तो आप एक एक दाना उसमें उस तरह से काउंट नहीं कर सकते ना, तो ये क्या है, अगणनीय है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला आता है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, विशेषण के रूप में आने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, यह संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं यह घर पुष्पा का है, यह घर उसी पर्टिकुलर घर की तरफ इशारा करके कहा गया है कि यह घर पुष्पा का है, तो इसे सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। हमारा घर मंदिर के समीप है, हम इशारा करके बोलते हैं ना कि हमारा घर, तो ये भी आ गया आपका सार्वनामिक के अंतर्गत। अब विशेष देखिए इसमें क्या बता रहा है, सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, जैसे जो से जैसा बन गया, जितना से यह से ऐसा इतना, ठीक है, जो से बना जैसा जितना, और यह से बना ऐसा इतना। अब आइए सेकंड पॉइंट, सर्वनामों में निजवाचक, निजवाचक क्या होता है, अपना, अपने लिए जो यूज किया जाता है, आप, स्वयं, उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष में तू तुम, और विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बता रहे हैं। देखिए, सर्वनाम का प्रयोग तो संज्ञा के स्थान पर होता है, जैसे वह चला गया, अब सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है, जैसे वह घर मेरा है, और उदाहरण देखिए, वह पढ़ चुका है, वह क्या है, सर्वनाम है इसमें, और वह बालक पढ़ चुका है, वहां पर वह बालक आया, वहां पर सिर्फ लिखा है वह पढ़ चुका है, इसलिए वह क्या है, सर्वनाम है। अब वहां पर यह नहीं लिखा है वह लड़का, वह लड़की, वह पुरुष, वह स्त्री, तो इसलिए खाली वह क्या है, सर्वनाम है। अब दूसरे वाक्य में क्या है, वह बालक पढ़ चुका है, अब क्या है, इसमें सर्वनाम के साथ साथ संज्ञा शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है, वह इशारा किया गया है, संकेत किया गया इसमें। अब आइए प्रविशेषण, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत, निरा, अत्यंत, बिल्कुल, बड़ा, काफी आदि। देखो प्रिया, अब मैं कहती हूँ प्रिया चालाक है, तो प्रिया क्या है, इसमें विशेष्य है, और चालाक क्या है, ये उसकी विशेषता बता रही है, चालाक विशेषण शब्द है। अब मैंने कहा प्रिया बड़ी चालाक है, नहीं चालाक तो है लेकिन कैसी है, बड़ी चालाक है। अब बड़ी, इसमें चालाक क्या था, विशेषण था, और बड़ी लगा दिया हमने चालाक से पहले, तो ये उस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि वो कोई कम चालाक नहीं है, बड़ी चालाक है। और अगर कम चालाक भी लिखा जाता तो भी वो विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है,
तो इसीलिए जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे समीर निरामूर्ख है, समीर मूर्ख तो है लेकिन कैसा है, निरामूर्ख है पूरे का पूरा। इसमें निरा क्या है, प्रविशेषण है। गहरी नीली साड़ी पहनो, नीली साड़ी तो पहनो लेकिन कैसी, डार्क ब्लू, गहरे रंग की, गहरे नीले रंग की। खूब गहरा कुआं। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। वस्तुओं व व्यक्तियों के न्यूनाधिक गुण दोषों को, न्यूनाधिक यानी कम से अधिक गुण दोषों को विशेषण के तुलनात्मक रूप में जान सकते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। अगर कंपैरिजन करें, पहला होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। जो मूलावस्था होती है ना, उसे कैसे हम संधि विच्छेद करें तो हम लिखते हैं मूल जमा अवस्था। तो यहाँ कोई तुलना नहीं होती अपितु विशेषण की सामान्य अवस्था का बोध होता है। जैसे गरिमा सुंदर है, गरिमा है लेकिन कैसी है, वो सुंदर है। कपिल बलवान है, कपिल है लेकिन कैसा है, बलवान है। ठीक है, ये मूल अवस्था है, सुंदर बलवान। अब आइए उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है, हम इसको संधि विच्छेद करें तो हम कहते हैं उत्तर जमा अवस्था। यहाँ दो व्यक्तियों वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना हो अथवा तथा वहां पर उत्तरावस्था होती है। जैसे कपिल मनोज से लंबा है, यहाँ पर क्या है, तुलना हो रही है दो व्यक्तियों के बीच में, जो कपिल है वो मनोज से लंबा है, तो ये उत्तरावस्था के अंतर्गत आएगा। अक्षय अवि से अधिक चतुर है, यहाँ भी दो व्यक्तियों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है कि अक्षय जो है वो अवि से अधिक क्या है, चतुर है। अब आइए उत्तम अवस्था, उत्तम जमा अवस्था। इस अवस्था में किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान को तुलना द्वारा श्रेष्ठ अथवा हीन बनाया जाता है, तो वो श्रेष्ठ है उससे ऊंचा है या फिर वो उससे नीचा है। तो जैसे अक्षय सबसे बुद्धिमान है, अब देखो उसे यहाँ पे श्रेष्ठ बनाया गया, तो अक्षय क्या है यहाँ पर, सबसे बुद्धिमान है। गरिमा सबसे मूर्ख है, अब गरिमा को क्या किया उन्होंने, उससे तुलना करने के द्वारा, तुलना के द्वारा क्या बताया, हीन बताया गया उसको, वो सबसे मूर्ख है। तो तर व कम प्रत्यय के जोड़ से बनी तुलनात्मक अवस्थाएं हो जाती हैं। जैसे देखो मूलावस्था क्या है, योग्य है। अब उत्तरावस्था के लिए योग्य के आगे तर लगा दिया है और उत्तमावस्था के लिए आगे तम लगा दिया, तो क्या बन गया, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ऐसे ही और भी दे रखे उदाहरण आप देख सकते हैं। फिर आ रहा है विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे चालाक, प्रिय, श्रेष्ठ आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय द्वारा की जाती है। अब देखिए अगले पृष्ठ पर क्या दिया हुआ है, संज्ञा द्वारा विशेषण शब्दों की रचना। देखिए संज्ञा जो शब्द दे रखे हैं उनको विशेषण में कैसे कन्वर्ट किया गया, कैसे बदला गया उन्हें। देखिए कुल का दिया है, कुल क्या है, संज्ञा, और विशेषण बन गया अगर हम उसको लिख देते हैं कुलीन, तो वह स्त्री कुलीन है। अब रोग संज्ञा है, रोगी विशेषण है। इसी प्रकार से और उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट आइए सर्वनाम द्वारा विशेषण शब्दों की रचना। देखिए पहला उदाहरण वह, वह का बन गया विशेषण वैसा, जो, जैसा, आप, आपसी। क्रिया द्वारा विशेषण शब्दों की रचना देखिए, क्रिया क्या है, वंद, और विशेषण क्या है, वंदनीय। तो पीना, पीने वाला, खाना, खाऊ। अव्यय द्वारा विशेषण शब्दों की रचना देखिए, इसमें क्या बताया गया है, आगे, अगला, भीतर, भीतरी। तो यहाँ आपका पाठ ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।